परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतत् यच्चलोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमभयं। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्ण धनी धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद 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 गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ हरियाणा पानीपत में जो इंडस्ट्रियों का ही शहर है और जहां पर हम लोग कंबल खरीदने, गलीचा खरीदने, कारपेट खरीदने भी कभी कभी आते हैं। जब हम लोगों का बड़ा मेला लगता है ना तो कंबल यहीं से जाते हैं और सुंदर सुंदर कारपेट का निर्माण भी यही होता है। तो ऐसे शहर में प्रिया पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयोजन से यह कथा का आयोजन हुआ और हमारे मंगलधाम के ही युवा कथाकार जिन्होंने वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया और 124वीं कथा अभी यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए इनकी कथा की रफ्तार किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। और आप सब यहाँ के भक्तजन सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिवर्ष कथा का आयोजन कराते हैं और हम जैसे संतों को भी यहाँ आने का मौका मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ ही प्रणामी विश्व मंथली पत्रिका के सह संपादक श्री प्रकाश जी हैं जो प्रणामी मीडिया का भी संचालन करते हैं और संगीतकार आनंद जी भी आप सबके बीच 7 दिन से संगीत ध्वनि के साथ आपको आनंद दे रहे हैं। उनके साथ
वाद्य वादन में संलग्न अन्य सभी महानुभाव और यहाँ हमारे श्रवण जी हैं जो आप सब कैसे कथा सुन रहे हैं और कैसी कथा हो रही है मीडिया के माध्यम से प्रसारण करते हैं, तो जो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें भी कथा सुनने का और कथा में परोक्ष रूप से सम्मिलित होने का मौका मिलता है। ऐसे तो प्रारंभ के दिन से ही मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रण था कि कोई भी एक दिन आप आइए, पर मैं भी कुछ न कुछ कार्यक्रम में व्यस्त था, इसलिए आज के दिन ही मेरे लिए उपयुक्त बना और थोड़ी देर आप सबके दर्शन करने के लिए कथा सुनने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ। तो देखिए भागवत के महात्म्य में कहते हैं, भाग्यो उदये न बहुजन समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदाय तदोदयते विवेक। भागवत कौन सुनता है? जिसका भाग्य का उदय होता है ना, वही भागवत सुनता है। सड़क पे चलने वाले भागवत नहीं सुनते, वो तो सड़क पे ही चले जा रहे हैं क्योंकि उनका केवल कर्म का उदय हुआ है, अभी भाग्य का उदय नहीं हुआ है। हो सकता है इसी जन्म में कभी कभी उनका भी भाग्य का उदय हो जाए और भागवत सुनने आ जाए, अन्यथा अगले जन्म में जन्म जन्मांतर में वे भी कभी भागवत सुनेंगे, पर आप लोगों का भाग्य का उदय हो गया। जो भी इस पंडाल में आप लोग 7 दिन से आए ना, सोचिए कि आपका भाग्य का उदय हो चुका है। भाग्यो दहे न बहुजन्म समर्जिते न, कई जन्म के पुण्य के प्रताप से इस जन्म में हमारा भाग्य का उदय हो गया, क्योंकि कई कई जन्मों में हम फूल बन करके चढ़ते रहे होंगे भागवत में, फल बन करके चढ़ते रहे होंगे, नारियल बन करके चढ़ते रहे होंगे, गाय बन करके दूध देते रहे होंगे या मोर बन करके पंख चढ़ाते रहे होंगे। न जाने कई जन्म जन्मांतर में हमने अपना पुण्य चढ़ाया, अपना धर्म चढ़ाया, अपना भाव चढ़ाया, अपनी भक्ति चढ़ाई, तो आज मनुष्य जन्म हमको मिला और भागवत सुनने के लिए हम कथा में उपस्थित हैं, तो ये पूर्व जन्म का पुण्य का संचय का ही प्रतिफल है। भाग्य में भाग्य उदय होता है तो सत्संग सुनने का मौका मिलता है। सत्संग मन चलवते पुरुषो यदा वै, उस व्यक्ति को सत्संग सुनने का मौका मिलता है। पर और एक शब्द आता है कि सौभाग्य, एक शब्द है भाग्य और दूसरा शब्द है सौभाग्य। आप देखिए जिसका सौभाग्य का उदय होता है ना, वो 7 के 7 दिन कथा में बैठता है और वो भी निष्ठा से बैठेगा, कथा शुरू होने से पहले आकर बैठेगा, कथा समाप्ति के बाद ही उठेगा। निज नाम सुमिर जग लड़ने दे, हाथी अपने चाल चलत है, कुत्ता भूखे तो भूख न दे, निज नाम सुमिर जग लड़ने दे। संतों ने कहा जब आप भक्ति करने के लिए कथा सुनने के लिए आकर के बैठते हैं ना, तो जो कुछ भी दुनिया में होता रहे उसकी चिंता ना करो, क्योंकि एक तरफ मोबाइल में दुनिया से बातें भी कर रहे हैं, एक तरफ कथा भी सुन रहे हैं ना, तो आधा अधूरा ज्ञान ही आपको मिलेगा, पूरा पूरा कथा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ बात करनी है पहले ही खत्म करके, 3 घंटा हम कथा में जाएंगे तो केवल कथा सुनेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे, आत्मा और परमात्मा की तार जुड़ेंगे, संसार का मोह का माया का कोई भी कार्य वहां पर नहीं होगा, क्योंकि एक पुण्य स्थल में हम जा रहे हैं, तो उसको सौभाग्य कहा जाता है। भाग्य से भी बड़ा सौभाग्य होता है। और कथा में जाने के बाद जब कृष्ण कथा शुरू होती है ना, जिस दिन से 4th दिन से कृष्ण का जन्म और कृष्ण कथा शुरू होती है ना, उसको भाग्य ही नहीं कहा जाएगा, उसको सौभाग्य ही नहीं कहा जाए, उसको अहो भाग्य कहा जाता है।
भागवत में श्लोक आता है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं अहो भाग्य जिसका होता है, भाग्य से भी बड़ा, सौभाग्य से भी बड़ा अहो भाग्य। तो कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण लीला देखने के लिए, कृष्ण के विविध प्रसंगों को हृदयंगम करने के लिए, कृष्ण माय होने के लिए उन्हें मौका मिल जाता है। तो देखिए, आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हो ना, तो बद्रीनाथ धाम गए तो मना गांव करके एक गांव आता है, उसको भारत का अंतिम गांव ऐसा करके लिखा था। और मनाओ गांव में जो चाय की दुकान है ना, भारत की अंतिम चाय की दुकान ऐसा करके लिखा था। प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों लिखते हो, अंतिम नहीं लिखना चाहिए, भारत का प्रथम गांव लिखो, इसको सबसे ज्यादा ऊंचाई में है तो मना गांव को भारत का प्रथम गांव लिखो, और चाय की दुकान को भी भारत की प्रथम चाय की दुकान ऐसा लिखो। बदल दिया उन्होंने। तो वहां मना गांव में वेद व्यास जी जहाँ रहते थे, भागवत की रचना जहाँ बैठ करके उन्होंने की, वो एक गुफा है। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले बद्रीनाथ गए थे तो वो गुफा दर्शन करने के लिए मौका मिला। और वहाँ सरस्वती नदी बहती है, क्योंकि सरस्वती नदी की कथा तो पुराणों में, इतिहास में बहुत जगह है। सरस्वती नदी दर्शन करना हो तो बद्रीनाथ धाम ही जाना पड़ता है, दूध सा सफेद उसका जल है। और सरस्वती नदी आधा किलोमीटर ही दिखलाई देती है, फिर अलकनंदा में जाकर के समा जाती है। तो वेदव्यास वहां बैठ करके 17 पुराणों की रचना करते हैं, महाभारत की भी रचना करते हैं। तो एक दिन नारद जी आकर के पहुंचे और कहने लगे, वेदव्यास जी आप खुश हैं ना, इतना बड़ा कार्य आपने किया, वेदों को आपने लिपिबद्ध कर दिया, चारों वेदों को लिपिबद्ध किया आपने, 17 पुराण की रचना की, और महाभारत जैसे बड़ा ग्रंथ भी आपने रचा, आप खुश है ना। वेदव्यास जी ने कहा, थोड़ा मन में असंतोष है, लगता है कोई काम अभी भी अधूरा रह गया है। तो नारद जी ने कहा, अधूरा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सारे पुराणों में सब देवी देवताओं की महिमा गाई, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की महिमा गाई, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की महिमा गाई, देवी भागवत में देवी की महिमा आपने गाई, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा आपने गाई, शिव पुराण में शिव जी की महिमा आपने गाई, जो भी पुराण आपने लिखे उस पुराण में उस देवता की महिमा आपने गाई, पर एक परब्रह्म श्री कृष्ण जो सबके स्वामी सबके मालिक सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्व साक्षी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के ललित रस कथा से परिपूर्ण कोई पुराण की आपने रचना ही नहीं की तो आपको संतोष कहां से होगा। जब तक कृष्ण के गुण नहीं गाओगे, कृष्ण के धुन नहीं गाओगे, कृष्ण की महिमा नहीं करोगे, आपको संतोष नहीं होगा। वेदव्यास जी, भले ही आपने इतना सारा काम कर लिया है पर असंतोष ही बना रहेगा। तो 5 दिन तक नारद जी वेदव्यास जी के साथ ही रहे, और नारद जी ने वेदव्यास जी को जो ज्ञान दिया उसको नारद पंचरात्र करके भी कहा जाता है। 5 रात्रि में जो कुछ उन्होंने सुनाया, पर जाते जाते नारद जी ने यही कहा कि कृष्ण कथा लिखो, कृष्ण की महिमा लिखो, कृष्ण के जीवनी लिखो, कृष्ण का इतिहास लिखो, आपका ही नहीं विश्व का कल्याण हो जाएगा, सारे मानव का उद्धार हो जाएगा, सारे मानव परम पद और मोक्ष पद को प्राप्ति करेंगे, परम धाम को प्राप्ति करेंगे, इसलिए आप कृष्ण कथा लिखो। तब वेदव्यास भागवत की रचना करते हैं। तो भागवत में कृष्ण का स्वरूप छुपा हुआ है, और साक्षात परम धाम को जाने का एक मार्ग भारत भागवत में निश्चित किया गया है। तो ऐसे महापुराण की आप प्रतिवर्ष यहाँ पर श्रवण करते हैं। मेरा अपना विषय होता है कि हमारे
प्रणामी परंपरा के आद्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी 14 साल तक भागवत की कथा सुनी देखी है। वो ऐसे मंदिर में जाते थे जहाँ रोज कथा होती है, क्योंकि कुछ वृंदावन में ऐसे मंदिर है आज भी जहाँ आप जाएंगे तो रोज ही भागवत की कथा होती है। आज 5 श्लोक, 10 श्लोक, 15 श्लोक, 20 श्लोक, 1 अध्याय की कथा, साल भर कथा होती है तो एक बार भागवत कथा पूरी हो जाती है। इस प्रकार से भागवत की कथा होती रहते हमारे सदगुरु देवचंद्र जी ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल तक निष्ठा पूर्वक कथा शुरू होने से पहले जाकर के आसन में बैठना, कथा के एक एक वाक्य को सुनना, चंचलता नहीं दिखाना, स्थिर होकर के बैठना, आसन को अच्छी तरह से साध लेना और कथा को जीवन में ग्रहण करना, कथा मय हो जाना। क्योंकि श्रोता, बहुत सारे श्रोता कथा तो सुनते हैं पर कथा सुन करके जैसे ही उठते हैं और कपड़े को झटकाते हैं तो कथा को भी वहीं झटका देते हैं। घर में कुछ जाता नहीं है, घर में कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, पर ज्ञानी भक्त क्या होते हैं, कथा के एक एक प्रसंग को हृदय में धारण करके जाते हैं और घर वालों को भी सुना देते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, जो नहीं आ सके उनको भी सुना देते हैं, संक्षिप्त में सुना देते हैं, तो कथा ग्रहण करने वाली बात होती है। हमारे सदगुरु देवचंद्र जी ने 14 साल कथा सुन करके उसको ग्रहण किया, तो कथा के मध्य में ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, रे देवचंद्र, तुम परम धाम की श्यामा स्वरूप हो, सुंदर भाई स्वरूप हो और मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं, इसलिए यह तारतम महामंत्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिस मंत्र के प्राप्ति के बाद तुम्हें ब्रह्म बोध हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म धाम के दर्शन होंगे और 25 पक्ष परम धाम तुम्हारे सामने झलझलाकार होने लगेगा। कृष्ण ने तारतम महामंत्र दिया। देखिए, तारतम शब्द भागवत में 3 बार आया है, भागवत के श्लोकों में तारतम शब्द 3 बार आया, पर जितने भी तारतम के, जितने भी भागवत के कथाकार हुए ना, तो उन्होंने तारतम का अर्थ क्या किया, भेदाभेद, रहस्य, मिस्ट्री, ऐसा करके उन्होंने तारतम का अर्थ किया, जितने भी व्याख्याकार भागवत के हुए। पर देवचंद्र जी ने जहां तारतम शब्द आया ना भागवत में, तो उसको महामंत्र के रूप में स्वीकार किया। तारतम महामंत्र है जो संसार से तार करके परम धाम में पहुंचा देता है, मोक्ष दिलाता है, आवागमन से रहित करा देता है। देखिए, मनुष्य जीवन हमको मिला है ये आवागमन से रहित होने के लिए। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी फिर हम 84 में फंसे, फिर से जानवर बने, फिर से पक्षी बने, फिर से कीड़े मकोड़े बने, फिर से समुद्र के मछली बने, तो मनुष्य बनने का क्या अर्थ हुआ। मनुष्य जीवन पाने के बाद देवता बनना चाहिए, मनुष्य से ऊपर देवताओं का जीवन होता है, देवताओं से ऊपर आत्माओं का, चैतन्य का जीवन होता है, परम धाम में सखियों का जीवन होता है। इसलिए परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए हमें एकाग्र होकर के कृष्ण भक्ति में और तारतम के जाप में संलग्न रहना चाहिए। फिर भागवत में कई जगह राज शब्द आया है, तो भागवत के व्याख्याकारों ने राजा 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 ऐसा करके उसका अर्थ किया, पर प्राणनाथ जी महाराज ने जहां जहां भी राज शब्द पाया ना, उसको श्री कृष्ण से जोड़ा, क्योंकि सबके राजा तो कृष्ण ही है, राजाओं के राजा, मालिक के मालिक, स्वामी के स्वामी तो परब्रह्म श्री कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण सबके मालिक, सबके स्वामी, ये राज शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग होना चाहिए। और गीता के 9 अध्याय के 2 श्लोक में भी वर्णन आता है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्ययम। एक राज है और राज को जानने वाली विद्या को राज विद्या कहा जाता है, वो पवित्र विद्या है, उत्तम विद्या है, धर्मयुक्त विद्या है, प्रत्यक्ष फलदायी विद्या है,
उस विद्या को जो पढ़ेगा वो राज को पाएगा, अखंड हो जाएगा, परम पद को पाएगा, मोक्षगामी बनेगा। तो श्री देवचंद जी महाराज ने राज शब्द भी वहां से लिया परमात्मा के लिए, तारतम शब्द भी महामंत्र के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और भागवत में कई लोगों को महामति कहा है, जैसे सूत जी को भी महामति करके कहा है, विदुर को भी महामति करके कहा है, ध्रुव को भी महामति करके कहा है, वसुदेव को भी महामति करके कहा है। तो श्री देवचंद्र जी ने महाराज ने कहा कि महामति किसको कहा जाए, जिसकी मति जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, उत्तम हो, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म का नाम जानता हो, ब्रह्म का रूप जानता हो, ब्रह्म की लीला जानता हो, ब्रह्म का धाम जानता हो, उसी को तो महामति कहा जाएगा। इसलिए देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया कि भागवत के महामति शब्द प्राणनाथ जी को प्रदान किया, अपने शिष्य प्राणनाथ जी को प्रदान किया। तुम महामति के छाप से चौपाइयां लिखोगे और जग विख्यात ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करोगे, ये देवचंद्र जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। और महामति प्राणनाथ जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त उस पद को लेकर के उन्होंने वाणी पूरी लिखी। तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में जहां जहां भी हम लोग पढ़ते हैं महामति की छाप मिलती है, कहे महामति सुनो सात जी यहाँ विलंब की दानी नहीं हुआ, ऐसे करके जगह जगह उन्होंने महामति कहे सुनो सात, देख बो खोलो वाणी प्राणनाथ धनी ल्याए धाम से बचन जिनसे न्यारे न होए चरण। कहते हैं कि वाणी को हम खोल करके देखें, कभी कभी घर में धर्म किताब रहते हुए लोग खोलते ही नहीं है। गीता है आपके घर में, रामायण है आपके घर में, वेद है आपके घर में, भागवत है आपके घर में, परंतु लोग खोल करके नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये तो पूजा की चीज है, पूजा करते रहो पूजा करते रहो। पर प्राणनाथ जी कहते हैं आपके घर में कोई भी धर्म शास्त्र आए तो उसको खोल करके देखो, उसमें क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या शिक्षा है, परम गति क्या है, मोक्ष गति क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का महत्व क्या है, ये सब शास्त्रों में समझाया गया है। शास्त्र हमारे लिए संविधान है, मनुष्य जीवन कैसे सुंदर रीति से संचालित किया जाता है ये सारा विधान शास्त्र में लिखा हुआ है। और मनुष्य जीवन सुंदर जीने के बाद आत्मा को कैसे तारना, परमात्मा में कैसे पहुंचाना, देखिए आप लोग बैठे हुए हैं ना, तो आप लोगों का ध्यान अपने शरीर में जाता है, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ, ऐसे शरीर में ध्यान जाएगा ना, फिर शरीर में ध्यान जाता है तो कभी कभी मैं काला हूँ मैं गोरा हूँ मैं सांवला हूँ ऐसे करके भी जाता है ना कभी कभी शरीर में ध्यान। फिर शरीर में और ध्यान जाता है तो मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बुढ़ा हूँ मैं बीमार हूँ ऐसे भी कभी कभी ध्यान चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ मैं शूद्र हूँ ऐसे करके भी चार जाति में भी कभी ध्यान चला जाता है। पर हम जब सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, कीर्तन में आते हैं, तो हमें ये सब सांसारिक भाव, शारीरिक भाव, ये सामाजिक भाव, ये रिश्तेदारी का भाव, ये सगे संबंधियों का भाव नहीं रखना है। जब हम कथा में आते हैं तो हम आत्मा हैं, हम विशुद्ध आत्मा हैं, क्योंकि आत्मा कहाँ है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण आत्मा कहाँ है, तो कृष्ण ने कहा कि इंद्रियानि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परसस्तु स, कहा आत्मा कहाँ है कि ये शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के पीछे छुप करके मन बैठा हुआ है, मन सूक्ष्म है इसलिए दिखता नहीं है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा छुप करके बैठी हुई है, इसलिए आत्म तत्व को ऐसे समझा जाएगा, आत्म तत्व को ऐसे याद किया जाएगा। देखिए कभी कभी किसी को तो मन भी नहीं दिखता है ना, आपने अपने मन को कभी देखा ही नहीं, पर मन नहीं है ऐसा करके नकारा भी नहीं जा सकता, मन तो है, मन है इसका क्या प्रमाण है। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं,
कोई हमें डांटता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी महिमा करता है तो हम खुश हो जाते हैं। मन सही तो होता है, इसीलिए हमारे अंदर मन है जो सूक्ष्म रूप से बैठा है परंतु अपना कार्य करता ही करता है। हमारे अंदर बुद्धि है, इसका पता कैसे लगता है? कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ और नई नई बातें सोचें, नए नए चिंतन को याद करें, नई नई कथाओं को सुने, ऐसे जब हमारे अंदर धारणा आए तो आप सोचिए आपकी बुद्धि सक्रिय हो रही है, बुद्धि कुछ जानना चाहती है। जैसे बच्चे लोग घर में आप रखो तो मूर्ख रह जाते हैं ना, खेलते ही हैं और कुछ नहीं करते हैं। पर बच्चों को स्कूल में भेजो तो उनकी बुद्धि विकसित होती जाती है ना, फिर टीचर लोग क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर करते हैं, उसकी बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, फिर हाई स्कूल पूरा करते हैं तो कॉलेज में भेज दिया जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है, यूनिवर्सिटी फिर रिसर्च करने लग जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है उनको। कई बच्चे तो विदेश चले जाते हैं, बुद्धि और उनकी सक्रिय होती है तो ऑस्ट्रेलिया जाकर, अमेरिका जाकर, यूरोप जाकर के अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के पढ़ते हैं, वहां पर वहां भी पढ़ाते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैंने विदेश में कई सारे देशों की यात्रा की तो विदेश में मैंने देखा कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट विदेश में पढ़ करके वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। क्या कारण है? हमारे गांव में जन्मे लोग कैसे इतना आगे बढ़े? क्योंकि उन्होंने बुद्धि को विकसित किया, बुद्धि को सक्रिय किया, बुद्धि को उन्होंने नियंत्रित किया और बुद्धि को ग्रहणशील उन्होंने बनाया। इसीलिए विदेशों में जाकर के कई लोग डॉक्टर बनकर के, इंजीनियर बनकर के, प्रोफेसर बनकर के वहां भी पढ़ा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर बुद्धि है, इससे हमको ज्ञान होता है, उसको विकसित करना है। और हमारे अंदर आत्मा भी है, बुद्धि से परे आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा का जब ज्ञान होता है तो हम भक्ति में लग जाते हैं। अब देखिए ना कि विदेशी लोग भी कभी कभी हरे कृष्णा हरे राम बोलते हुए, माला जपते हुए निकले हुए आपने देखा होगा। आजकल हंगेरी नाम के देश में, पहले तो अमेरिका में, इंग्लैंड में और देशों में हरे कृष्ण का महामंत्र जपते थे विदेशी लोग, अब हंगेरी में हंगेरियन ने न्यू वृंदावन बना दिया वहां पर, और वहां गाय पालते हैं, खेती करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्या बात है, उन्होंने आत्मा को पहचाना, उन्होंने देखा कि मात्र हम शरीर नहीं है, मात्र हम इंद्रिया नहीं है, मात्र हम मन नहीं है, मात्र हम बुद्धि नहीं है, हम तो आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए बिना परमात्मा को भजे, बिना परमात्मा को जपे, बिना परमात्मा का ध्यान किए और बिना परमात्मा का चिंतन किए मोक्ष गति नहीं होगी, फिर जानवर बनना पड़ेगा, फिर कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। इसलिए हमें तो देव योनि चाहिए, आत्मा योनि चाहिए, परम गति हमको चाहिए, मोक्ष गति हमको चाहिए। ये सोच करके विदेशी लोग भी लगे हुए हैं, और विदेशी लोग जो लगे हुए हैं योग में, लगे हुए हैं योग अभ्यास में, लगे हुए हैं भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं, ये सब भारत की शिक्षा है, ये सब भारत की विद्या है, ये सब भारत का ज्ञान है। इसीलिए हम भारतवासी हैं तो हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में कितना बड़ा ज्ञान है कि विदेशी लोग भी आकर के इसको सीखते हैं। देखिए भारत में विदेशी लोग क्या क्या सीखने आते हैं। भारत में योगा सीखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ योगा प्राणायाम जो होता है ये भारत का ही ये ज्ञान है, भारत की विद्या है, जो विदेशी लोग पसंद करते हैं। और भारत में लोग शास्त्रीय संगीत भी सीखने आते हैं, भारत में लोग संस्कृत सीखने के लिए आते हैं, और भारत में लोग कथक नृत्य सीखने के लिए आते हैं, और भारत में लोग इंडियन जॉइंट फैमिली को भी सीखने के लिए आते हैं। देखिए क्या कुछ है भारत में, सब कुछ है अपने देश में, परंतु हम लोग हमारे देश में क्या शक्ति है, क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या ऐश्वर्य है, इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी कथाओं में आकर के जब हम उस तरफ ध्यान देने लगते हैं तो हमारा देश महान है, तभी हम कहेंगे मेरा भारत महान। देखिए हमारे देश में अच्छी खेती होती है ना तो हम लोग को लगता है मेरा भारत महान।
ऐसे ही हमारे देश में कथा कीर्तन कहीं हो रहा है, लोग बैठ करके भजन भक्ति कर रहे हैं, तब भी कहना चाहे मेरा भारत महान, और हमारे देश में साफ सुथरा, हमारे देश सुंदर लगे, सर्वत्र फूल ही फूल खिले हो, तब भी कहना चाहिए मेरा भारत महान, और हमारे तीर्थ महान, हमारे गुरु महान, हमारे धर्म शास्त्र महान, हमारे गंगा यमुना सरस्वती महान। ऐसे अपने देश की पहचान, अपने संस्कृति की पहचान, अपनी सभ्यता की पहचान करनी चाहिए। विदेशी लोग जिसमें आकर्षित हो रहे हैं तो हम लोग आकर्षित क्यों ना हो। तो श्रीमद् भागवत की कथा का आज समापन का दिन है और एक तरफ भंडारा भी तैयार हो रहा है, तो ज्यादा समय मुझे नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है, पर प्रतिवर्ष हमारे लीला रस सागर जी जो भागवत कथाकार हैं, जब भी कथा निश्चय हो जाता है तो मुझे भी समाचार दे ही देते हैं कि ये सप्ताह में कथा हो रही है, एक दिन आप जरूर समय निकालें। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, ऐसे तो प्रवचन यात्रा में, कथा यात्रा में मैं भी संलग्न हूँ, परंतु एक दिन का समय, एक घंटे का समय यहाँ आना अच्छा लगता है आप सबके बीच, क्योंकि आप लोग नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, नई जागनी हो रही है, नया उत्साह है, नया प्रेम है, ऐसे आप लोग बढ़ाते चलें और जीवन को सफल बनाते चलें। भागवत सुनने के बाद कृष्ण को पहचाने, कृष्ण के मूल स्वरूप को पहचाने श्री राज के रूप में, और तारतम महामंत्र की प्राप्ति करके परम धाम की भक्ति करेंगे तो हमारे लिए परम धाम दूर नहीं होगा, मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाएगा और संसार किसी दिन छूटेगा तो आत्मा कभी अधोगति प्राप्त नहीं करेगी। आपका आत्मा उसी दिव्य परम धाम में जाकर के अखंड होकर के अमरत्व को प्राप्त करके 25 पक्ष परम धाम में भ्रमण करती रहेगी। ऐसा सारभूत ज्ञान हमें जीवन में ग्रहण करना है और जीवन को धन्य बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के संबोधन को मैं विराम देना चाहता हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में प्रार्थना के साथ में श्रद्धेय गुरु जी को अपार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि आपके जब जब भी आते हैं तो हम सभी को आशीर्वाद मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, संत जन कहते हैं संत का समागम हरि की कथा, दोनों ही बातें दुर्लभ है परंतु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हो रही है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा करता हूँ वहाँ के आयोजक को मंगल धाम का कुछ न कुछ प्रसाद लेकर के आता हूँ हमेशा, तो इस बार भी हमारे आयोजक परिवार के जो मूल जो स्तंभ है परिवार में हमारी मैडम कमलेश शर्मा जी और रामेश्वर दत्त शर्मा जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आए और मैं मंगल धाम की तरफ से आप सभी को गुरु जी पधारे हैं तो गुरु जी के द्वारा ही आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं परिवार में दोनों माता पिता कमलेश शर्मा जी और रामेश्वर दत्त शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ मंच पर आए और श्रद्धेय गुरु जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ साथ में ही मैं जिन्होंने यहाँ पर जागनी करने में हर प्रकार से साथ दे रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, हमारी रानी बहन जी और हमारे दयानंद जी वो भी आए हैं, तो उन दोनों को भी मैं मन पर आमंत्रित करता हूँ कि द्वे द्वे जोड़े जोड़े आए और श्रद्धा गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यह मंगल धाम का आशीर्वाद है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, मंगल धाम की, गुरु जी मंगल दास जी महाराज की। तो आप दोनों को खूब खूब शुभकामना आशीर्वाद मंगल धाम गुरु जी महाराज के द्वारा आपको मिल रहा है, ऐसे आपके जीवन और सुंदर बनते रहे। और मैं रानी बहन जी और उनके
हमारे दयानंद जी ये जागनी कार्य में धर्म के काम में बहुत आगे बढ़ करके कर रहे हैं। जागनी के क्षेत्र में जागनी करते रहे हैं, पहले से करते हैं, तो और आगे बढ़े आप लोग और करते रहे ऐसी कामना करते हुए मंगल धाम का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। आप दोनों आए, इसके बाद में एक नाम मैं और लूंगा। हमारे हम जिनके घर में जब भी कथा करने आते हैं, जिनके घर में राजीव पत्राय आए फिर हम ही रहते हैं, तो हमारे जनकराज राणा जी और नीलम देवी राणा, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, या हो या नहीं आए तो उनसे भी आग्रह है कि आप आए और श्रद्धेय गुरु जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। यह मंगल धाम का आशीर्वाद है। सभी जीवन में गुरु की भक्ति, गुरु जी मंगलदास के आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बने रहे ऐसे कामना करते हैं। और हमारे जनक राणा जी और नीलम देवी राणा जी ये भी हर कार्य में सुंदर साथ के जागने में सेवा में तत्पर हैं और ये करते रहे हैं, तो ऐसे कामना करते हैं। आप भी फोटो खिंचाए, एक बार हाथ खड़े करते हुए जयकारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परिवार जन में हमारे में श्रद्धेय गुरु जी को अब हमारे बीच हमारे दोनों सुपुत्र हैं, मैं हमारे बड़े सुपुत्र हमारे अश्विनी शर्मा जी, शीतल शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी, सुषमा शर्मा जी, आप सभी और साथ साथ में हमारी बहन जी प्रिया शर्मा जी, सभी का हार्दिक हार्दिक अपार धन्यवाद के साथ में पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद आप भी प्राप्त करें। और हमारे अंकुर शर्मा जी आप मंच पर आए, क्या करना चाहते थे आपको भी कार्य करें। और मैं हमारे संगीतकारजन जो भी हैं परिवारजन से आग्रह करता हूं, आप चंदन वंदन कर संगीतकारों का भी आप एक साथ पुण्यावती के प्रसंग में सभी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं श्रीमती कमलेश शर्मा जी परिवार सब परिवार मंच पर आमंत्रित करता हूं, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें क्योंकि आप सभी आए मंच पर आए सभी परिवारजन और इन सभी संगीतकार और जो यहाँ उपस्थित है सभी का चंदन वंदन कर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की लक्ष्मी मैया कंधे पे आ गई। तो सभी परिवारजन हमारे परिवार में संपूर्ण परिवार आप आए और चंदन वंदन करके आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और सभी भक्तों से निवेदन है आप थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि मुझे पता है आज बहुत घरों में जाना होगा, आपका भी शादी बहुत है कि नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, इसीलिए इधर से आएगी निकाल दिया है। तो सभी भक्त बारी बारी से आएंगे और धीरे धीरे अभी आरती के पश्चात आप मंच में आएंगे, धीरे धीरे जैसे हम रोज आते हैं ऐसे आएंगे, परंतु पहले ये काम पूर्ण करेंगे फिर हम आरती करते फिर आप मंच में आ पाएंगे। श्रद्धेय गुरु जी परिवारजनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे अंकुश जी और सभी उनके परिवारजन सभी मंच पर आए। ऐसा समय हमें बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए आशीर्वाद सबको मिलेगा अभी धीरे धीरे, परंतु पहले परिवारजन परिवारजन के साथ साथ परिवारजन फिर संगीतकार सभी को चंदन वंदन करें, मुझे भी करें। तब तक आनंद जी एक भजन
हमारे ब्रजेश राणा जी आप भी गुरु जी से आशीर्वाद ले लीजिए। हमारे मंच मंत्री है, मंच संचालन सुंदर मंच संचालन करते आ रहे हैं, पर आए गुरु जी से आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। जब भी भागवत होती है हमारे ब्रजेश राणा जी हम पिंटू पिंटू जी कहते हैं, ये बड़े सुंदर रूप से मन संचालन करते हैं। मेरे पानीपत में पांच भागवतों के चार भागवत मन संचालन करते आ रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, पानीपत में जाऊंगी। भजन देखो कैसा आ रहा है। अब एक बार फिर हम झूमेंगे, अब थोड़ी देर बाद हम फिर शादी में जाएंगे, आज बहुत शादियां हैं, शादी में नाचेंगे, वहां तो हम गाने में नाचेंगे, यहाँ हम भजन में नाचेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, पानीपत में जाऊंगी, मेरे उठे आए हाय हाय, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। पानीपत में देखो क्या बात है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी राधे। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, क्या बात है, पानीपत की सखियां सब दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत में दीवान, वृंदावन जाऊंगी अब कैसे धरूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, पानीपत में जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, पानीपत में जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
जाऊंगी। मेरे उठे फिरे की बीच में वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे फिरे की बीच में वृंदावन जाऊंगी। बल भजन में नाचने वाले सखियों की आज की आनंद की तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 हाथ उठा के राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 मेरे श्यामा 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 मेरे श्यामा मेरे श्यामा राधे 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 राधे।